पत्नी और उनके प्रेमियों द्वारा जालसाजी करके पहले प्लॉट बेचा, अब जान से मारने की दे रही धमकी। खबर कोतवाली थाना के अंतर्गत पोहरी बाईपास चौराहे से है, जहां प्रार्थी लक्ष्मण कुशवाहा ने अपनी पत्नी मीना के साथ अवैध संबंध बनाए हुए उम्मेद कुशवाहा और सुमिरन कुशवाहा पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। फरियादी लक्ष्मण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी पत्नी मीना के कुछ लोगों से अवैध संबंध है और वह उनके साथ मिलकर मुझे मारना चाहती है। लक्ष्मण ने बताया कि सुमिरन कुशवाहा, उम्मेद कुशवाहा, रमेश कुशवाहा और कल्लू कुशवाहा ने मेरी पत्नी को लालच देकर रजिस्ट्री करा ली है और उसे रजिस्ट्री को पत्नी के नाम वापस कराकर उसी रजिस्ट्री को कमलागंज निवासी संजय शर्मा को करा दी, जबकि ये रजिस्ट्री में कन्हैया रावत पुत्र कमर सिंह रावत निवासी रामखेड़ी को 7 वर्ष पूर्व ही करा दी थी और कन्हैया रावत का ही उस पर कब्जा है। उपरोक्त चारों लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि संजय शर्मा को कब्जा दिलवा दे, नहीं तो अब जिंदा नहीं रहेगा। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुझे इन चारों लोगों से जान का खतरा है, यदि मुझे कुछ होता है तो ये चारों ही जिम्मेदार होंगे। क्या मामला है कुशवाहा की जमीन का? मैंने लक्ष्मण भाई से 2017 में प्लॉट खरीदा था और मेरा कब्जा है, 2017 से काबू चला रहा हूँ उस पर और प्लॉट के सामने मेरा मकान है, मैं वहीं रहता हूँ। उसका नामांतरण हो गया अभिजीवन खूब में, उससे एक दीपक धाकड़ और उन लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली थी लक्ष्मण से, पूरे रजिस्ट्री इन्होंने मीना कुशवाहा के नाम करवा के 3-4 लोग, उसमें सुमरन है, उम्मीद कुशवाहा है, रमेश है, कोई कल्लू है, इन लोगों ने 10-10 लाख रुपये हड़प लिए और एक संजय शर्मा के नाम मीना कुशवाहा के नाम उतरवा के कोई फर्जी रजिस्ट्री और दूसरे को करवा दी। अब वो कब्जा लेने आया वहाँ तो मुझे मालूम चला, मैंने उसे रोका, मैंने कहा भाई जी तुम मेरा प्लॉट है। तुम्हें जानकारी दी कि तुम्हारे नाम रजिस्ट्री हो चुकी थी, दूसरे नाम रजिस्ट्री कैसे हुई, कैसे गए थे और रजिस्टर का कुछ जगह? हाँ मैंने पता किया, मुझे जानकारी मिली जो इसकी क्या है, यहाँ पे जगह है 4-5 भाइयों की सम्मिलित खाता है तो उसमें बटांगन है नहीं मौके पर, और इसको चारों पाँचों भाइयों ने इसकी टू साइड की वजह से इसको कम जगह दी है मौके पर, तो वो जगह मेरे पास है मेरी रजिस्ट्री में। अब ये लोग वो जगह बोल रही है खसरे में, उस आधार पर इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली, जो मीना से जो फर्जी रजिस्ट्री हुई थी वो मीना के नाम उतरवा के और खुद ने करवा ली साठ गांठ करके। इनको पता नहीं था, इसे नशा मुक्ति केंद्र में बंद करवा दिया कि इसको पता चलेगा तो ये टांगड़ाएगा, क्योंकि भूमि स्वामी मैन ये है लक्ष्मण, इसकी पत्नी नहीं है। इसको लेकर तुम गए थे? मैं नहीं गया था, ये वहाँ से निकल के आया तो इसने खुद आवेदन दिया था SP ऑफिस में, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं भी कई बार आवेदन दे चुका कि साहब मेरे साथ न्याय किया जाए, अगर मैं गलत कर रहा हूँ या मैंने गलत किया है, फर्जीवाड़ा किया है, तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। अन्यथा क्या नाम है आपका? लक्ष्मण कुशवाहा। लक्ष्मण जी कहाँ रहते हैं आप? पोहरी बाईपास। अच्छा ये बताओ क्या समस्या आ रही है आपको, क्या समस्या आ रही है? मैंने 2017 में कन्हैया भाई को अपने आप प्लॉट दिया था, बीज दिया था, मुझे रजिस्ट्री करवाई, उसके बाद में मेरी घरवाली ने मुझे नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया था ग्वालियर, वहाँ खाली में 2 साल था। आने के बाद मेरे दो प्लॉट और बच्चे थे मोरी वाली जमीन में, क्योंकि मुझे रजिस्ट्री करवानी थी, बेचने थे, तो वो दीपक धाकड़ ने वो प्लॉट की रजिस्ट्री की अपेक्षा जहाँ पे कागज लगा दिए कि दो तुम्हें तो नहीं पढ़ पाया, मुझे कुछ जानकारी पता नहीं थी, पढ़ा लिखा नहीं था, तुम जो जमीन वाली जमीन बेच चुके थे। हाँ, और जब मुझे मालूम चला उसके बाद में तुमने कार्रवाई की, मुझे दोबारा फिर ना समझे कि इतने सीटी बंद करवा दिया गया। कौन ने बंद कर दिया? मेरी घरवाली और जो साथ में जो हैंगे उनके सिमरन अल्लू रमेश जो दलाल हैं, इनने शायद हाट गाट करके मुझे दोबारा फिर नशा मुक्ति नशा करते हो क्या? उस समय करता था बंद है बिल्कुल। हाँ, और इसी पीरियड में जो फिर मैं आया वहाँ से, मुझे जानकारी नहीं थी, तो कभी जाती नहीं थी कन्हैया भाई ने, एक बार मेरी फोन पर बात हुई नशा मुक्ति केंद्र में, जो इनने मुझे छुड़वाया वहाँ से, और फिर वो जिस प्लॉट को मैंने रजिस्ट्री करवा दी थी उस समय मैंने कन्हैया रावत को करवाई थी। हाँ, फिर उसी रजिस्ट्री को उन्होंने मेरी घरवाली जो प्लॉट पर वापसी आना था, मैंने साठ गाठ करके फर्जी तरीके रजिस्ट्री करवा दी। मेरी घरवाली शिवरन उम्मीद और कल्लू और एक रमेश है, चार लोगों ने पैसे कहा है 10-15 लाख रुपया, मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं थी। तो जब मुझे वहाँ से छूट दिया या 1-2 महीने पहले, और ये आवेदन में जब आया था, जब मैंने दिया था पहले प्रशासन को, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। एक आवेदन और भी एक आधार और लगवाया मैंने कन्हैया भैया से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आज भी कुछ मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन से जो पंडित थे
दिलों वाला जमीन जो दोबारा खरीदी है उनने मानने की धमकी दी थी। कई बार प्रशासन के पास जाता हूँ तो ताल देते मुझे। पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गया था मैं पहले, एक महीने पहले एक आवेदन और दिया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।